नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाल का। विधानसभा चुनावों से पहले हनुमान बेनीवाल और पश्चिमी राजस्थान में समाज के स्तर पर, कारोबार के स्तर पर, बजरी खनन के स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखने वाले, चाहे वो दूसरे तमाम कारोबारों में आर्थिक स्थितियों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले मेघराज सिंह और हनुमान बेनीवाल के बीच में जिस तरह की लड़ाई, जिस तरह का संघर्ष हमने देखने को मिला। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अलग अलग जिलों में मेघराज सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया, अवैध बजरी खनन के मामले में, अवैध बजरी रॉयल्टी के मामले में। हनुमान बेनीवाल ने यह बयान दिया था कि अवैध रॉयल्टी के जरिए जो मुनाफा कमाया गया है, इस मामले में ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी के कार्यालयों के सामने हम धरने प्रदर्शन करेंगे, उनको सारे दस्तावेज देंगे ताकि वो इस मामले में कार्रवाई करें। ये बात विधानसभा चुनावों से पहले की थी। विधानसभा चुनाव बीते, सूबे में बीजेपी की सरकार बनी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो एक ताकत के तौर पर, हालांकि अगर उनका वोट गणित को देखा जाए तो हम पूरी डिटेल वार वोट बात करेंगे कि इस लोकसभा में वो कितनी प्रभावी है, लेकिन अब ईडी ने मेघराज सिंह के ठिकानों पर छापे मारे हैं। ऐसे में ये चर्चा फिर से है कि जिस मेघराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हनुमान बेनीवाल मुखर थे, क्योंकि भले ही मेघराज सिंह वसुंधरा राजे के करीबी है, भले ही मेघराज सिंह की होटल जैसलमेर के सूर्यागढ़ के अंदर सियासी संकट के दौरान में कांग्रेस विधायकों को एक तरह से उनका वो ठिकाना बन चुकी थी, उनको शरण स्थली बन चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस में या बीजेपी के भीतर मेघराज सिंह को लेकर विरोध नहीं था। विरोध अगर था तो हनुमान बेनीवाल के स्तर पर था। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल की मांगों को क्या माना गया है और ईडी ने उनकी, अगर माना गया तो फिर क्यों माना गया, ये भी चर्चाएं चल रही है। तो जब ये चर्चाएं सामने आई तो एक चर्चा ये निकल करके आई कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पार्टी के तौर पर, एक ताकत के तौर पर कमजोर पड़ चुकी है, ऐसे में उसे एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है। हो सकता है हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बीजेपी में विलय करेंगे, और विलय से पहले की उनकी जो शर्तें हैं, वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना हो, या वसुंधरा राजे के करीबी और हनुमान बेनीवाल के विरोधी मेघराज सिंह जैसे कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्या ये सब उसी कड़ी में हो रही राजनीतिक घटनाएं हैं, और क्या हनुमान बेनीवाल आने वाले समय में बीजेपी के साथ में पार्टी का विलय करेंगे या पार्टी का गठबंधन करेंगे, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि बीजेपी फिलहाल गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ इच्छुक नहीं है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने और पश्चिमी यूपी के एक बड़े जाट नेता जिनका हरियाणा से लेकर राजस्थान तक प्रभाव है, जयंत चौधरी का एनडीए के साथ गठबंधन हो जाने के बाद में उसे हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। बीजेपी की शर्त यह है कि आपकी जो दो चार छोटी शर्तें हैं उसको हम मान लेते हैं, आप अपनी पार्टी का पूरी तरीके से बीजेपी के साथ विलय कीजिए। अब सवाल यह है कि अगर विलय होता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बीजेपी के साथ, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर हनुमान बेनीवाल कितने ताकतवर है। 2018 के अक्टूबर में चुनाव होते ठीक 2 महीने पहले बनी पार्टी, जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में 60 के करीब सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 3 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। एक हनुमान बेनीवाल खुद नागौर से जीते और 2 सीटें एससी के प्रत्याशी जीत करके आए, चाहे वो नागौर की एक सीट हो, चाहे वो दूसरी जोधपुर की भोपालगढ़ सीट जो कि सबसे लगी हुई है। ऐसे में एक जो 2018 के विधानसभा चुनाव में मोटे तौर पर 14 के करीब ऐसी सीटें थी जहां पर 25,000 से ज्यादा आरएलपी ने वोट हासिल किए, तो पूरे प्रदेश के अंदर आरएलपी ने 2 महीने के भीतर भीतर 8 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर आरएलपी का बीजेपी के अंदर विलय होता है तो वोट बैंक के वोट गणित के हिसाब से आरएलपी कितनी ताकतवर पार्टी है। अगर अपन लोकसभा बार बात करें तो आरएलपी का जो कोर वोट था वो एक तो जाट और दूसरा दलित, ये 2 वोट था। लिहाजा अगर अपन एससी और जाट वोट के आधार पर विधानसभा वार स्थिति को समझने की कोशिश करें, लोकसभा वार और लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों की, आप सभी को बता राजस्थान विधानसभा की 200, लोकसभा की 25 सीटें, लिहाजा हर लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 8 सीटें आती है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट जहां पर 19.5 लाख के लगभग टोटल वोटर है, उसमें से जाट है 18.75% वोट जाटों का है, जो संख्या के लिहाज से 3.62 लाख का होता है। एससी का वोटर 13% के आसपास है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में, आरएलपी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में 10.1% वोट हासिल किए थे और 2023 में थोड़ा सा घटकर 8.2% वोट हासिल किए। मैं लोकसभा वार आरएलपी के वोट परसेंटेज की इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर आरएलपी का बीजेपी के अंदर विलय होता है, जब पॉलिटिकल गेम खेले जाते हैं तो उसमें 1-2% का जो वोट स्विंग होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, अब आप समझिए। अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो राजस्थान के अंदर
आपकी नजर में तो होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी ने खास वोट हासिल नहीं किए। 3% वोट हासिल करने वाली बीटीपी, जिससे अलग होकर के भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, उसने 3% के लगभग वोट हासिल किए। भारतीय बसपा ने 1.82% और आरएलपी ने 2.39%, अभी कुछ दिन पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वोट हासिल किए, जिसको संख्या के लिहाज से आरएलपी की वोट इस बार है 9,46,203 वोट है। 77 सीटों पर आरएलपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, 76 पर हार हुई, एकमात्र हनुमान बेनीवाल जीते 2,059 वोटों से, जिनके सामने बीजेपी के रेवंत राम डांगा, जो कभी हनुमान बेनीवाल के करीबी थे, उनको अलग किया गया और 77,433 वोट रेवंत राम डांगा को मिले, 79,492 वोट हनुमान बेनीवाल को मिले। आरएलपी और बसपा का टोटल वोट होता है 4.21% और बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो वोट है उसका जो अंतर है वो है 2.16% वोट। मैं आरएलपी के लोकसभा पर आंकड़े इसीलिए बताता हूं कि जब पॉलिटिकल गणित के अंदर कोई नया प्लेयर ऐड होता है, नया इक्वेशन बनता है, नए समीकरण बनते हैं, 1.5 से 2% का वोट परसेंटेज भी बहुत बड़े खेल कर सकता है प्रदेश स्तर पर। लिहाजा लोकसभा वार, जहां जहां आरएलपी मजबूत है वहां के लोकसभा वार गणित को अपन वापस आंकड़े बात करते हैं। बाड़मेर की हमने बताया कि आरएलपी को 2018 में कितने वोट मिले थे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और 2023 की विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में आने वाली 8 सीटों आरएलपी को कितने वोट मिले, पहले 10.1 अब 8.2। यहां पर 18.75% के लगभग जाट वोट है जो आरएलपी का मूल वोटर माना जाता है, और इसके अलावा 13% के आसपास एससी का वोटर है। जोधपुर लोकसभा के अंदर आरएलपी एससी का वोट है 15%, जो कि 2,90,129 संख्या के लिहाज से, और जोधपुर में टोटल 19.34 लाख के लगभग वोटर है। जोधपुर लोकसभा में जाट ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्यों नहीं है उसके समीकरण समझिए कि जोधपुर के अंदर जाट बेल्ट की जो तीन विधान, जोधपुर के अंदर टोटल 10 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 3 जाट वोटर ज्यादा है, भोपालगढ़, ओसियां और बिलाड़ा, लेकिन ये तीनों विधानसभा सीटें पाली के साथ जाती हैं, बाकी की 7 विधानसभा सीटें ही जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होती है। यहां पर एससी का वोट है 20%, 4.29 लाख, जोधपुर के अंदर एससी का 15% वोट है, और आरएलपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 3% वोट मिले थे, 1 भोपालगढ़ सीट पुखराज गर्ग वहां से जीते थे, 2023 के अंदर ये वोट शेयर बढ़कर 6.3% हुआ है। अब बात आती है पाली लोकसभा क्षेत्र, जहां 21.46 लाख टोटल वोटर है, इसमें से एससी के वोट 20% है यानी कि 4,30,000 के लगभग, और जाट वोट 11.91% जो कि 2,55,000 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पाली लोकसभा क्षेत्र की जो बाकी उसकी अपनी पाली जिले की 5 सीटें हैं उसमें भी अच्छा खासा जाट वोटर है, और जो 3 सीटें जाट बहुल जोधपुर जिले की विधानसभा सीटें हैं, भोपाल, ओसिया और बिलाड़ा, ये भी पाली लोकसभा का हिस्सा है। तो वहां पर आरएलपी को 2018 में पाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7.7% वोट मिला था टोटल वोट का, और 2023 के अंदर 5.6%। नागौर लोकसभा की अगर बात करें, जहां पर टोटल वोट 19.20 लाख है, उसमें से एससी के वोटर है 20.9% यानी कि 4 लाख के लगभग, और जाट वोट है 18.75% जो कि यानी कि 3,60,000 के लगभग जाट वोटर है। आरएलपी को 2018 में नागौर के अंदर 11.4% वोट मिले थे, और 2023 के अंदर 9.8% वोट मिले। मैं लोकसभा बार आरएलपी की ताकत समझा रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि अगर आरएलपी का बीजेपी के अंदर विलय होता है तो फिर बीजेपी को कितना फायदा होगा, होगा या नहीं होगा, ये आपका अपना आकलन है, हम केवल आंकड़े बता रहे हैं। सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जहां 20.28 लाख टोटल वोटर है और एससी के 15.3% वोट है 3,10,000 के लगभग, आरएलपी को 2018 में सीकर जिले की सीकर लोकसभा क्षेत्र के एरिया में 6.3% वोट मिले थे, और 2023 के अंदर 3.2% वोट मिले थे। बीकानेर जहां पर 18.35 लाख टोटल वोटर है और एससी के वोट 23.7% है यानी कि 4,34,000 के लगभग, आरएलपी को यहां पर 2018 में 1.5% वोट मिले थे और 2023 में वोट शेयर बढ़ा 2.7% हो गया। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जहां पर 18.62 लाख अजमेर लोकसभा के टोटल वोटर है जिसमें से एससी के 19.5% है 3,63,000 के आसपास, और जाट वोट 13.13% है 2,44,000 के आसपास। आरएलपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र का जो एरिया की विधानसभा सीटें हैं उसमें 2.2% वोट मिला था, और 2023 के अंदर वोट मिला 2.5%। अब ये वो पश्चिमी राजस्थान और मतलब बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, इधर सीकर और बीकानेर, जो जाट बेल्ट मोटे तौर पर माना जाता है उस एरिया में आने वाली लोकसभा सीटों का गणित है। विधानसभा सीटों का गणित आपने देख लिया है, इस बार 77 सीटों पर कैंडिडेट आरएलपी ने खड़े किए थे, पूरे प्रदेश के अंदर आरएलपी ने 2.39% वोट हासिल किए थे,
जो कि बीजेपी और कांग्रेस के अंतर से भी ज्यादा है। मैं ये आरएलपी के आंकड़े इसलिए बताता हूं ताकि आप सीट केवल एक सीट है इस आधार पर उसकी ताकत का आकलन न करें। लेकिन इस गणित को समझने के बाद फिर उसी सवाल पर वापस जिससे हमने अपनी शुरुआत की थी, क्या मेघराज सिंह लोहिया पर ईडी के छापे उसी सिलसिले में हो रही कार्रवाइयां हैं जिसके जरिए हनुमान बेनीवाल की मांगों पर बीजेपी के साथ सहमति धीरे धीरे बन रही और हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आने वाले समय में बीजेपी में विलय करेंगे और हनुमान बेनीवाल अगर सांसद बनते हैं तो बीजेपी के सांसद कहलाएंगे, अगर वो विधायक बनते हैं तब भी विधायक भी बीजेपी के कहलाएंगे। प्रदेश में बदलते हुए पॉलिटिकल समीकरणों को लेकर, बीजेपी और आरएलपी के गणित को लेकर, हनुमान बेनीवाल और मेघराज सिंह लोहिया की लड़ाई को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो, आंकड़ों का एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।